रहे एक हुक्का बार पर यहां पर छापा मारा गया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रूप से चल रहा हुक्का बार, एसीपी नेमीचंद के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है। सुदर्शनपुरा स्थित बेसमेंट में चल रहा था अमून रॉ के नाम से ये हुक्का बार, और कैफे की आड़ में ये हुक्का बार चल रहा था, एक तरीके से नशा परोसा जा रहा था। पुलिस ने मौके से दर्जनों युवक युवतियों को हुक्का पीते पाया गया, आधा दर्जन हुक्का फ्लेवर तंबाकू पाइप आदि जब्त किया गया सामान उस जगह से। इसी के साथ मौके से 50 अवैध शराब की बोतलें भी बरामद की गई। पुलिस ने कैफे संचालक और मैनेजर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर जयपुर से, और युवक युवतियों का जुर्माना पुलिस ने किया। उस मौके पर जो यहां पर युवक युवतियां मिले, बताया जा रहा है कि दर्जनों भर, उन पर जुर्माना। कोटपा और एक्साइज एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है। अशोकनगर थाना प्रभारी मोहन सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापा मारा गया है। एसीपी नेमीचंद के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है, और नशा परोसा जा रहा था। चूंकि प्रदेश में हुक्का बैन है, किसी भी प्रकार से यहां पर जायज और लीगल नहीं है, और कैफे की आड़ में ये हुक्का बार चल रहा था बेसमेंट में, अमून रॉ के नाम से ये कैफे संचालित था। पुलिस ने मौके पर दर्जनों युवक युवतियों को हुक्का पीते हुए पाया गया, आधा दर्जन हुक्का फ्लेवर्स तंबाकू पाइप्स इत्यादि वहां जब्त किए गए। 50 से अधिक अवैध शराब की बॉटल्स भी वहां से बरामद की गई। इस पर पुलिस ने कैफे संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। साथ ही में जो युवक युवती वहां पर थे, उन पर जुर्माना यहां पर लगाया गया है, और कोटपा और एक्साइज एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, नशे पर पूरी तरीके से लगाम लगाने की यहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है, और कैफे की आड़ में अभी भी प्रदेश की अगर बात करें तो काफी ज्यादा जगहों पर ऐसे हुक्का बार, अवैध बार जो है वो संचालित है, जहां पर छोटी उम्र के लड़के लड़कियों को भी यहां पर कम पैसों में हुक्का यहां पर परोसा जा रहा है, तंबाकू उसमें होता है, और वो पूरी तरीके से बैन है प्रदेश में। राजधानी जयपुर में भी बीते दिनों कई प्रकार की ऐसी कार्रवाइयां सामने आती रही है, लेकिन फिर भी लोगों का जो भय है, या वो संचालकों का भय कहें जो कि इस प्रकार का अवैध हुक्का बार खोलकर बैठे हैं, या फिर वो युवक या युवतियों का कहें जो ऐसे बार के ग्राहक बनकर वहां तक पहुंचते हैं और इस प्रकार का नशा वहां पर करते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई। कोटपा और एक्साइज एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। अशोकनगर थाना प्रभारी मोहन सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और फिलहाल जो कैफे संचालक और जो मैनेजर है उसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोटपा और एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई के भीतर एसीपी नेपी चंद के निर्देशन में कार्रवाई हुई। सुदर्शनपुरा स्थित बेसमेंट में अमून रॉ के नाम से कैफे की आड़ में ये हुक्का बार संचालित था, दर्जनों युवक युवतियों को वहां से पकड़ा है हुक्का पीते हुए, फ्लेवर हुक्का और तंबाकू और पाइप्स भी वहां से बरामद किए गए। पुलिस की खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जिस प्रकार से प्रदेश की जो सरकार है लगातार यहां नशे के खिलाफ कार्य कर रही है, चूंकि अवैध है हुक्का, लीगल नहीं है प्रदेश में, लेकिन फिर भी कैफेज की आड़ में इस प्रकार के हुक्का बार संचालित है, क्या ये पूरी कार्रवाई रही? देखिए बिल्कुल, जैसी नशे के खिलाफ लगातार जो पुलिस का जो अभियान है वो जारी है, और विगत दिनों तो आपने देखा होगा कि हुक्के को लेकर के कुछ संशोधन हुए थे और उसमें जो जुर्माना राशि थी वो बढ़ाई गई थी, जिसमें 50,000 रुपए तय किए गए थे। बावजूद इसके ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जयपुर शहर के अंदर हुक्का बार बंद हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। आज भी कैफे की आग धड़ल्ले से हुक्का बार संचालित हो रहे हैं, और इसी को लेकर के अशोकनगर थाना के जो एसीपी हैं नेमीचंद खारिया, उनको एक सूचना मिली थी। सूचना के बाद एसीपी नेमीचंद खारिया समेत जो थाना है अशोकनगर थाना, वो उसने सुदर्शनपुरा स्थित एक बेसमेंट पड़ता है जहां पर अमून रा के नाम से एक कैफे संचालित था, जो कि कैफे की आड़ में हुक्का बार को संचालित कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची तो अंदर से जो युवक युवतियां जो बैठे हुए थे उनमें अचानक से भगदड़ मच गई, और जहां पर जब पुलिस पहुंची थी, यहाँ माफ कीजिएगा, जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो मौके पर पुलिस को जो युवक युवतियां थे जो यहाँ पर नशा करते हुए पाए गए, और जो हुक्के का जो सेवन कर रहे थे उससे जो निकलने वाला धुआं है उसके छल्ले उड़ा रहे थे। इन सब चीजों को लेकर के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवक युवतियों का यहाँ पर जुर्माना किया, और साथ में जो होटल मैनेजर था और जो होटल संचालक था उसको गिरफ्तार किया। साथ में पुलिस को मौके से जो युवक युवतियां जिन हुक्कों का इस्तेमाल कर रहे थे
उनको यहाँ पर जब्त किया है। करीब आधा दर्जन हुक्के फ्लेवर के डिब्बे, तंबाकू, चिलम समेत अन्य जो सामग्री है वो यहाँ पर पुलिस ने जब्त की है, और साथ में जो नशा जो सामग्री थी जिसका वो सेवन कर रहे थे उसको भी जब्त किया। इसके अलावा यहाँ पर कैफे के अंदर शराब की 50 बोतलें पाई गई थी। तो यहाँ पर क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर शराब पीना अलाउ नहीं है, ना ही क्योंकि ना वो बार है या ना ही कोई रेस्टोरेंट बार है, तो ऐसे में वहां पर अवैध रूप से यहाँ पर वाइन का भी सेवन किया जा रहा था, और वो किसकी शहर पर चल रहा था फिलहाल ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कोटपा एक्ट के तहत यहाँ पर दो लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें होटल संचालक और जो मैनेजर है उसको किया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में भी यहाँ पर कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो हुक्का बार के खिलाफ या नशे के खिलाफ पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही है, और ऐसे जो कैफे है जहाँ पर कैफे की आड़ में हुक्का बारों का संचालन कर रहा है, किया जा रहा है या हो रहा है, वहां पर पुलिस ने अपनी निगाहें गड़ाई हुई है। अगर कोई भी अगर हुक्का बार यहाँ पर पिलाते हुए पाया जाता है तो उसके उसके ऊपर यहाँ पर कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जैसी यादवेंद्र, मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों के लिए चीज क्लियर कर दें, क्योंकि कई दफा ऐसा देखने को मिला है कि नाबालिग जो बच्चे हैं वो ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व मिलते हैं, और स्कूल के बच्चे उन्हें कम पैसों के अंदर इस प्रकार का नशा मुहैया कराया जाता है जिससे वो इसके लिए अट्रैक्ट हो। तो मैं चाहूंगी, पकड़े जाने पर वो इस चीज का हवाला देते हैं कि कंफ्यूजन था, उन्हें पता नहीं था, तो मैं चाहूंगी कि आप क्लियर कर दें, फिलहाल हुक्का अगर प्रदेश में कोई पीता हुआ पाया जाता है या कोई संचालित हुक्का बार करता है तो कितनी कार्रवाई है, क्या सजा का प्रावधान है, बताएं जरा। देखिए, सजा का प्रावधान तय किया गया है जिसके अंदर साल भर की सजा है, और साथ में 50,000 रुपए का जो जुर्माना था वो यहाँ पर तय किया गया है। बीते दिनों यहाँ पर 6 महीने पहले संशोधन हुआ था कानून के अंदर, उसके बाद यहाँ पर क्योंकि लगातार ये बात देखने में आ रही थी कि जो नाबालिग जो युवक युवतियां हैं वो बेसिकली इस नशे के खिलाफ, नशे के प्रति यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और होटलों के अंदर या कैफे में जाकर के वो नशे का सेवन करते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनमें एक लत पड़ जाती है नशे की। और देखा होगा कि राजधानी जयपुर से पूरे राजस्थान में किस तरह की जो नशा है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी ओर यहाँ पर जो युवक युवतियां वो सबसे ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो गांजा हो, चाहे अफीम हो, चाहे स्मैक हो। ऐसे में ये तय किया गया था कि इसमें जुर्माना राशि बढ़ाई जानी चाहिए, और उसी के तहत यहाँ पर 50,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। निश्चित तौर पे अगर नाबालिग कोई भी यहाँ पर पाया जाता तो उनके खिलाफ इससे कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा इस कार्रवाई को, और साथ में उसे जो संचालक है, होटल संचालक है या कैफे संचालक है, उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल आप देखें तो यहाँ पर पहली बार ऐसा नहीं है कि हुक्का बार चल रहे हैं, पहले से कई जगह चल रहे हैं, मगर यहाँ पर पुलिस को अगर मुखबिर से सूचना मिलती है उसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाती है, अदरवाइज अगर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो वहां पर हुक्कों को छुपा दिया जाता है या वहां पर मिलते नहीं है। लेकिन एक इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि जो जिनके जो माँ बाप है, जो बच्चे हैं जो यहाँ पर नाबालिग जो अपने माँ बाप को गुमराह करके यहाँ पर आते हैं, रसूखदारों के जो ज्यादातर इसमें जो बच्चे हैं वो इसमें मिलते हैं, जो क्योंकि बीते दिनों कार्रवाइयां हुई और वहां पर बड़े बड़े कैफे हैं जिसमें जो हुक्के का जो सेवन किया जाता है वो 500 रुपए से लेकर के 2,000-5,000 तक के हुक्के का सेवन किया जाता है, और मैं एक घंटे का ही चार्ज लिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पैसे की तो बर्बादी होती है, और साथ में नशे की लत भी इन युवक युवतियों में पड़ जाती है। ऐसे में जरूरी है माँ बाप को सोचना चाहिए, माँ बाप को भी अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए, और साथ में अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, कोई कृत्य करता है, तो उसकी शिकायत थाने के अंदर की जानी चाहिए, ताकि आगे ये बच्चे हैं जो इस ओर अग्रसर ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के यादवेंद्र। तो अगर आप हुक्का या फिर इस प्रकार के किसी भी अवैध नशे की लत में पड़ गए हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 1 साल की कैद का प्रावधान इसके लिए है और 50,000 रुपए का जुर्माना। तो अगर इन सभी चीजों के साथ कंफर्टेबल है तो इस चीज को पुलिस फिर भी रोकने के यहाँ पूरे प्रयास में है, लगातार यहाँ पर कार्रवाईयों का दौर प्रदेश भर में जारी है।